बस एक स्क्रू टाइट करो, बस हो जाएगा आपका हेलमेट सही हो जाएगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम हेलमेट के ऊपर बात करेंगे। शायद अगर आपके पास भी स्टील बर्ड का SB17 करके या फिर कोई भी मतलब हेलमेट हो, जो कि आपको ए लॉक वाला जो मिलता है, लॉकिंग सिस्टम मिलता है, जो वाइजर लॉकिंग सिस्टम मिलता है, अगर आपका ये काम नहीं कर रहा है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बस एक स्क्रू टाइट करना है, ज़्यादा मेहनत का काम है ना, ज़्यादा खर्चे का काम है। इसको मैं बाहर दुकान पे दिखाया था तो मुझे 400 रुपये कॉस्ट बता रहे थे। एक दुकान वाले बोला, भाई पूरा हेलमेट कब किसी काम का नहीं है। तो मैंने फिर दूसरी दुकान पे गया, वो बोल रहा है भाई 400 रुपये लगेंगे। बोला यार 400 रुपये किस चीज़ के लोगे, बस एक लॉक ही तो सही करना है। बोला नहीं भैया 400 रुपये लगेंगे। मतलब छोड़ो यार, अब चलो रूम पे ही करके कुछ देखेंगे। तो इसके सोचा इसको करते करते आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज दे दी जाए। तो ये है अपने पास SB17 का स्टील बर्ड। स्टील बर्ड आज हम करेंगे इसको, इसके लॉक को रिपेयर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये लॉक नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक ओपन हो जा रहा है। हमें बस इसके लिए एक चीज़ चाहिए, टेस्टर हो या स्क्रू ड्राइवर हो आपके पास, बस और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना है ना, इस वाइज़र को, शीशे को हमें बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए आपको सिंपली सिंपली एक काम करना है, यहाँ से सॉरी यहाँ से थोड़ा सा उंगली प्रेस करना है, वाइज़र ओपन हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं, अगर आपको पूरा निकालना तो पूरा निकाल सकते हो, ऐसे ही इधर से भी निकलेगा। हाँ, बस आपको क्या करना है, अब हमें ये ब्लैक वाले को, ये जैसा देख सकते हैं आप, ये ब्लैक वाले को जो हम लोग वाइज़र ओपन करने के लिए करते हैं, इसको हमें अब ओपन करना है। तो अब मैं बता देता हूँ कैसे ओपन करना है। स्क्रू ड्राइवर लेना है और हल्का सा, मात्र हल्का सा यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के हल्का सा प्रेस करना है। कहाँ से प्रेस, उंगली से करोगे आप तो नहीं होगा, हल्का सा झटके से प्रेस करना है। बस जैसा कि आप देख सकते हो, ये निकल गया है, ठीक है। और हाँ, ध्यान रहे, यहाँ पे स्प्रिंग है जो ये बैठता है ना, स्प्रिंग पे रहता है जो क्या लॉक होता है जो। तो हमें जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्क्रूप है, देख सकते हो आप, स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्क्रूप है। बस इसको हमें टाइट करना है अपने अकॉर्डिंग कि कितने पे आप सेट करना चाहते हो इसको। अभी देख लो आप, लॉक नहीं हो रहा है, ठीक है, स्प्रिंग ना गिर जाए यार। बस हमें करना क्या है, थोड़ा सा हेलमेट को आगे की तरफ लेना है, अपने अकॉर्डिंग इसको स्क्रूप को टाइट करना है। तो हमें कर लेते हैं दो, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ज़्यादा टाइट करोगे अपना तो फिर यहाँ रगड़ने लगता है ये, ठीक है। अभी थोड़ा सा बस हल्का सा और लॉक करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी देखो आप, हल्का हल्का सा और बस करना पड़ेगा, बस ज़्यादा ही हो गया यार, टाइट हो गया है थोड़ा। बस अब हम इसको कर लेते हैं, अब हम इसको लॉक कर ले, लॉक को सही कर लेते हैं। बैठाने के लिए वही है, बस इसको यूँ लेना है, इसको डालना है, ऐसे डालना है, बस उंगली से थोड़ा सा प्रेस कर देना है। बस ये देख लो आप, बैठ गया। वाइजर को करते हैं बंद, ऊपर ही चढ़ गया साला ये तो, भाई जल्दी जल्दी में यही होता है यार। ये हो गया आपका, ये बैठ गया है, ठीक। अब हम करते हैं एक स्टेप, टू स्टेप, देख सकते आप देख सकते हो ये हो गया लॉक, सही हो गया।
बस एक स्क्रू टाइट करना है, ये हो गया एक स्टेप, दो स्टेप, बस बस एक स्क्रू टाइट करो, बस हो जाएगा आपका हेलमेट सही हो जाएगा। बाकी ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना यार, कमेंट में अपना राय जरूर देना यार कि आपका हेलमेट अगर ऐसा ही है तो आप बता देना। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।